संगठन द्वारा बतासे एफएम केंद्र में एक साइट पर निरीक्षण किया गया था। अध्यक्ष सांगे धुपा ने प्रेस को बताया कि घूम जोरबंगला में जन संगठन के साथ प्रतिनिधियों ने आज 10 मई को घूम बतासे स्थित एफएम केंद्र का स्थलगत निरीक्षण किया था। इस साल 2023 में जन संगठन के प्रतिनिधियों ने जनवरी माह में आम जनता से कुछ शिकायतें और सुझाव लिए और एफएम अधिकारी विकास मणि प्रधान से कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। इसलिए प्रथम चरण की बैठक के समय बतासे एफएम केंद्र द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का समय रात 7 बजे तक बढ़ाकर खरसांग व दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित करने की मांग की गई। बतासे एफएम सेंटर ने पहली बैठक के समय यह मुद्दा उठाया था कि जनसंगठन को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पदाधिकारी विकास मणि प्रधान ने बड़ी खुशी से कहा कि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, केंद्रीय संचार मंत्री अनुराग ठाकुर और आकाशवाणी खरसांग को इस मुद्दे पर पत्र लिखा है, जिससे बतासे एफएम केंद्र की कई मांगें पूरी हुई हैं। अधिकांश ने कहा कि अभी आकाशवाणी खरसांग कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा एफएम पदाधिकारियों ने संगठन से दो मांगों को उठाने का भी अनुरोध किया है। पहली मांग कुछ इस प्रकार है, दार्जिलिंग के स्थानीय कलाकारों के लिए यहां एक वीडियो स्टूडियो बनाया जाएगा और उन्होंने कालेबुन जिले में एक एफएम रिले केंद्र की मांग की है। अध्यक्ष धुपा ने बताया कि 4 महीने बाद बतासे केंद्र में निरीक्षण के दौरान पहले से ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। 1 अप्रैल से नेपाली भाषा के कार्यक्रमों के मुख्य केंद्र के रूप में आकाशवाणी खरसांग की घोषणा करने पर जनसंगठन ने आम जनता की ओर से सांसद राजू बिष्ट व संचार मंत्री अनुराग ठाकुर का खुले दिल से धन्यवाद व सराहना की है। धुपा के मुताबिक यहां के कलाकारों के लिए दार्जिलिंग के टीवी टावर में स्टूडियो बनाने की संस्था की मांग को प्रेस के माध्यम से रखा गया है। जनप्रतिनिधियों के समक्ष आम जनता की आवाज़ को हमेशा खुले तौर पर प्रचारित करने के लिए जनसंगठन द्वारा सभी स्थानीय चैनलों, सोशल मीडिया, दैनिक समाचार पत्रों और मीडिया के समर्थन के लिए अध्यक्ष धुपा ने आभार व्यक्त किया है। आज के ऑनसाइट निरीक्षण में अध्यक्ष सांगे धुपा, उपाध्यक्ष वांगदी एल्मो, जयकुमार थामी, सलाहकार संजय रसाइली, पसंद भेटिया, पी चिरिंग, फिंचे वांगदी लापा आदि उपस्थित थे। नमस्ते, च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण पारवर्षी दर्शकवृन्दलाई आज हामी घुम जोरबंगला पिपल्स अर्गनाइजेसनका 7 जना टोली बतासेमा अवस्थित एफएम केन्द्रमा हामी फेरि एउटा फलोअपको लागि हामी आएका थियौँ। र योभन्दा अघि 2023 जनवरी महिनामा हामीले एउटा यहाँ कतिवटा कुरो विषय लिएर आएको थियौँ, 2-3 एउटा विषय लिएर, विशेष खरसाङ रेडियो स्टेसनको रिले, उहाँहरूले यहाँ रिले गर्नुहुन्छ एफएम केन्द्रले, 7 बजीसम्म मात्रै थियो, त्यसमा हामीले अलिक टाइम बढाइदिनुहोस् भन्ने विषयमा। त्यसमा पनि अहिले उहाँहरूबाट हामीले यहाँका विशेष अधिकारी वर्ग, विकासमणि प्रधानज्यूले हामीले जनाउनु भयो, तपाईँहरूले जुन जुन डिमान्ड राख्नुभयो साधारण आम जनताको निम्ति, त्यो सबै आज सक्सेस भएको देखेर हामी एकदमै खुसी छौँ। हामी विशेष गरेर केन्द्रका सरकार, विशेष हाम्रा सांसद राजु विष्टज्यू, इन्फर्मेसन ब्रोडकास्टिङ मिनिस्टर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया अनुराग ठाकुरज्यूलाई आज हामी घुम जोरबंगला पिपल्स अर्गनाइजेसनले एकपल्ट ताली मारेर उहाँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। किनभने उहाँहरू यति साह्रो खुसी हुनुभयो आजको दिन, हामी 4 महिनाको बादमा यहाँ आज हामीले बुझ्नु आउनको लागि खरसाङ रेडियो स्टेसनमा 1 तारिकदेखि एकदम नेपाली प्रोग्रामहरूको प्रमुख केन्द्र बनायो। र अहिले जति पनि खरसाङबाट रिले सेन्टरहरूबाट रिले गरेर जति पनि प्रोग्रामहरू हुँदैछ, राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू, वार्तालापहरू, ज्ञानवर्धक विषयहरू, इन्टरभ्यूहरू, कतिवटा विषय राम्रो राम्रो विषयमा त्यो पनि हुन थाल्यो। र उहाँहरूको एफएम केन्द्रको टाइम टेबल पनि बढ्यो 11 बजीसम्म। यस्तो खुसीको कुरो। र उहाँले अब यहाँ अझै 2-3 एउटा विषय यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले झालक फेलुक उज्यालो पनि भएछ, यो हामीले साधारण आम जनताहरूको निम्ति सुविस्ताको निम्ति, अब यहाँबाट हामी विशेष सांसद राजु विष्टज्यू र इन्फर्मेसन ब्रोडकास्टिङ मिनिस्टरलाई अनुराग ठाकुरज्यूलाई हामी यहाँबाट पिपल्स अर्गनाइजेसनबाट एउटा निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि कालिम्पोङमा दूरदर्शन केन्द्र उडेर गयो 2022 र अहिलेसम्म त्यहाँ एउटा एफएम केन्द्र हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ एफएम केन्द्र बनिएको छैन, त्यसको निम्ति पनि हामी पिपल्स अर्गनाइजेसनबाट यो एउटा डिमान्ड राखिरहेको छौँ, माग राखिरहेको छौँ। र विशेष हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा भएका अनहार कलाकारहरू, गायकहरू, ट्यालेन्ट भएकाहरूका निम्ति पनि यहाँ विशेष गरेर आज हामी यहाँबाट एउटा विशेष सांसद राजु विष्टज्यूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि पहाडमा पनि, खरसाङमा त अल इन्डिया रेडियोमा स्टुडियो छँदैछ र दूरदर्शन पनि त्यहाँ केन्द्र थियो, त्यो पनि अहिले उडेर गएको छ। र दार्जिलिङ पहाडमा, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ, दार्जिलिङ सब डिभिजनमा चाहिँ
एउटा यस्तै स्थानीय कलाकारहरूको निम्ति चाहिँ एउटा स्टुडियोको बहुत जरुरी भइरहेको छ भन्ने यहाँ हामीले जानकारी प्राप्त भयो. भिजुअल स्टुडियो जस्तै ठाउँ पनि हामी बताइदिँदैछौँ, जस्तै भयो दार्जिलिङ टिभी टावर दूरदर्शन खाली छ अहिले, त्यो खाली ठाउँमा स्टुडियो बनाइदियो भने यहाँको कलाकारहरूले यहाँको गायकहरूले राम्रो एउटा रोजगार पाउने पनि मौका पाउँछ, उहाँको ट्यालेन्ट पनि फस्टाएर जानेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा राख्दछौँ. र यसर्थ हामी यस विषय लिएर घुमजोर द पिपल्स अर्गनाइजेसनद्वारा चाँडै हामी इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ मिनिस्टर साथै सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि हामी चिठी हामी पत्रचार गर्नेछौँ. हाम्रो यो साधारण आम जनताहरूको निम्ति आर्टिस्टहरूको निम्ति सुविस्ता होस् भन्ने. र त्यसर्थ आज हामीलाई यहाँ आउँदा एकदमै गर्व लाग्यो, खुसी लाग्यो. हामीले चारवटा विषय लिएका थियौँ यहाँ, अहिले उहाँहरू भन्नुहुँदैछ यहाँ सबै कुरो अहिले टेक्निकलमा पनि एकदमै सल्भ भयो अरे, राम्रो हुँदैछ, सबै कुरो नै एकदमै सुचारु रूपमा चलिरहेछ. यसरी नै जनताले आवाज सुनायो भने सम्बन्धित विभाग सरकारले पनि सुनिदिन्छ भन्ने हामी आशा राख्छ. जनता नै सचेत भएर बसेर चाहिँ काम गरोस् भन्ने आशा राख्ने. फेरि दार्जिलिङमा चाहिँ दार्जिलिङ सब डिभिजनमा चाहिँ एउटा झट्टभन्दा झट्ट एउटा स्टुडियो भिजुअल स्टुडियो चाहिँ बनाइदियोस् भन्ने हामी यहाँ माग राख्दै, र कालिम्पोङमा पनि एफएम केन्द्र झट्ट खुलिस् भन्दै यहाँ आजको एफएम केन्द्रमा हामी धेरै पेयरसँग हामी बात गऱ्यौँ. यति भन्दै आज घुमजोरुङको पिपल्स अर्गनाइजेसनद्वारा आजको प्रेस भेला यतिमै समाप्त गर्दछौँ. धन्यवाद.